एनएसयूआई ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता कर विश्वविद्यालय को आरएसएस व वीवीपी का अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तभी से विपक्षी दलों समेत छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन पर भगवाकरण के आरोप लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय में हो रही भर्तियां भी पिछले कुछ समय में सवालों के घेरे में है। एनएसयूआई कैंपस प्रेसिडेंट परवीन मिन्हास ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय का भगवाकरण कर रहा है। बीबी एबीवीपी व आरएसएस का अखाड़ा बन गया है। एनएसयूआई कई बार इस तरह की कारगुजारियों के खिलाफ बीसी से भी शिकायत कर चुकी है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम प्रवीण मिन्हास है और मैं विश्वविद्यालय एनएसयूआई इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज हमने जो है विश्वविद्यालय इकाई की तरफ से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पिछले कल ही हमारे संज्ञान में ये बात आई थी। छात्रों ने जब हमसे ये कांटेक्ट किए कि विश्वविद्यालय की साइट पे जब वो जा रहे हैं और वहाँ पे जब वो बीएड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जो शेड्यूल है जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो वाटरमार्क लगा हुआ है विश्वविद्यालय की साइट पे उसको लेकर उन्होंने हमने जो है वो अवगत करवाया था। इसके संदर्भ में आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन से ये सवाल किया कि क्या विश्वविद्यालय एक राज्य की सबसे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्या वो एबीपी और आरएसएस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, क्या आरएसएस और एबीपी के जो पैड पे जो नोटिफिकेशन हैं वो विश्वविद्यालय की साइट से निकाली जाएंगी क्या। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।